आगे बढ़ते बात करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सीएम योगी की भारी डिमांड है वहां पर। आपको बताएं मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीएम की कई रैलियां वहां पर होने वाली है। मंत्री जेपीएस राठौर को चुनाव प्रबंधक की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी के कई मंत्रियों की एमपी में ड्यूटी भी लगेगी। कल भी आपको बताया दोनों डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश में थे जहां उन्होंने दौरा किया था और अब सीएम योगी की भी कई रैलियां होने वाली हैं। तो भारी डिमांड में है सीएम योगी और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। आपको बताएं और भी यूपी के कई मंत्री होंगे जो एमपी में उनकी ड्यूटी लगेगी और विधानसभा चुनाव नजदीक है मध्य प्रदेश में और ऐसे में जीत दर्ज कराने के लिए सीएम योगी वहां पर रहेंगे, कई रैलियों को संबोधित करेंगे। एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजीत सिंह। अजीत, अब भारी डिमांड है सीएम योगी की, मध्य प्रदेश में भी जाने वाले हैं, रैली करने वाले हैं क्योंकि नजदीक है विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में। देखिए बिल्कुल, सीएम योगी की डिमांड मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, और सिर्फ देखिए मध्य प्रदेश ही नहीं, जिस भी राज्य में चुनाव होता, आपने बिहार देखा होगा, दिल्ली देखा होगा, उड़ीसा, कर्नाटका, बंगलोर, कहीं भी हैदराबाद में चुनाव होता, योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है दीपाली, वो ये है कि उनकी जीत का जो स्ट्राइक रेट है वो 70% से लेकर 90% है। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार और बहुत टफ फाइट वहां दिखाई दे रही है। तो सबसे ज्यादा जो विधानसभाओं से सूची मांगी गई उसमें योगी आदित्यनाथ की रैलियों की डिमांड सबसे ज्यादा, हालांकि उत्तर प्रदेश के कई सारे मंत्रियों की वहां ड्यूटी लगाई गई, केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक, जेपीएस राठौर जो यूपी के सहकारिता मंत्री और संगठन में एक लंबे समय तक काम कर चुके, उन्हें वहां चुनाव प्रबंधन की भी जिम्मेदारी दी गई, यानी जो उत्तर प्रदेश के नेता वहां मध्य प्रदेश में जाएंगे, कौन कैसे कहां जाएगा, किसके प्रचार की क्या ड्यूटी होगी, यह जिम्मेदारी होगी। लेकिन जो बड़ी खबर है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड मध्य प्रदेश के चुनाव में ज्यादा है। जो विधानसभा के जो वहां प्रत्याशी या जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जो वहां एमपी कि मध्य प्रदेश बीजेपी है, वो सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग है वो योगी आदित्यनाथ है। पीएम मोदी और अमित शाह के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा डिमांड किसी भी क्षेत्र में होती है तो योगी आदित्यनाथ की होती है, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो योगी आदित्यनाथ की पूछ यानी उनकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। और उसकी वजह जो हमने आपको बताई कि जहां भी योगी आदित्यनाथ रैलियां करते हैं, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे फिर छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, या फिर विधानसभा का चुनाव हो, वहां जीत का जो स्ट्राइक रेट है वो उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा नेता चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो ब्रांड चेहरा है, जो बीजेपी की ब्रांड है, हिंदुत्व का जो चेहरा, वो योगी आदित्यनाथ से फिट कोई नहीं बैठता। तो लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा डिमांड मध्य प्रदेश के चुनाव में, और उनके नाम को लेकर वहां से जो स्थानीय नेता है, जो बीजेपी है, जो पार्टी के जिला अध्यक्ष है, वो बार बार चिट्ठियां आ रही हैं कि सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की मध्य प्रदेश में रैली करने को लेकर। बिल्कुल, इस खबर के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन बने रहिए अजीत, क्योंकि आगे भी और भी खबरें हैं जिस पर आपसे अपडेट लेंगे।